टॉपिक है डायरेक्शन एंड सेंस, डायरेक्शन और सेंस, ये टॉपिक आज का डायरेक्शन एंड सेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड सेंस, ये जितने टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम, सब दिमाग चलाने वाले टॉपिक हैं, सब दिमाग चलाने वाले। जैसे एग्जांपल सुनो जरा, यू आर ए पायलट, फ्लाइट पकड़ा आपने लखनऊ टू दिल्ली 5 घंटा, दिल्ली टू अमेरिका 24 घंटा, ठीक है, अमेरिका टू बॉम्बे नहीं 11 घंटे। पायलट की एज क्या होगी, पायलट की एज क्या होगी? करेक्ट आंसर। तो ये सब ऐसे ही है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, बस दिमाग जहाँ थोड़ा चलाया। कनिष्का देखो दिमाग से तेज है, तुझे आईएएस में भी आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में ले जाना चाहिए तुझे, जुडिशरी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए कनिष्का, अगर मनी प्रॉब्लम्स ना हो, फाइनेंशियल दिक्कत ना हो तो। ठीक है, आईएएस में आना चाहिए, क्योंकि जो आईएएस नहीं बनते वो जुडिशरी में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन हर किसी, कोई जुडिशरी रखता है। हमारे कई फ्रेंड हैं जब आईएएस नहीं बने तो जज की दी परीक्षा, एक के बार में जज हो गए सब। तो पहला टारगेट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, सेकंड टारगेट जजेज। चलिए लिखिए क्वेश्चन, रमन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, रमन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। हाँ, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, फुल स्टॉप। ही टर्न टू हिज राइट, ही टर्न टू हिज राइट, फुल स्टॉप। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, ही टर्न टू राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर कॉमा, ही टर्न टू द लेफ्ट, ही टर्न टू द लेफ्ट, ही टर्न टू द लेफ्ट, ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फुल स्टॉप। नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इज इन डायरेक्शन इज ही फॉर्म द स्टार्टिंग प्लेस, फॉर्म द स्टार्टिंग प्लेस, फॉर्म द, हाँ फॉर्म द स्टार्टिंग प्लेस, फॉर्म द स्टार्टिंग प्लेस, फॉर्म द स्टार्टिंग प्लेस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है बेस्ट, ऑप्शन ए बेस्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी साउथ, साउथ, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट, ये लो अब बताओ इसमें क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट सही है। चलो अगले को, नेक्स्ट। रवि लेफ्ट होम एट द, रमी रवि लेफ्ट होम एट द साइकिल 10 किलोमीटर, साइकिल 10 किलोमीटर, एट द साइकिल 10 किलोमीटर टुवार्ड साउथ, 10 किलोमीटर टुवार्ड साउथ, टुवार्ड साउथ, फुल स्टॉप। ही देन टर्न राइट, नहीं टुवार्ड साउथ, ही देन टर्न, TURND, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, टर्न राइट, राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, साइकिल 5 किलोमीटर, कमा एंड देन अगेन टर्न राइट, एंड देन अगेन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, राइट एंड साइकिल, राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फुल स्टॉप। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव, हाउ मेनी,
हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट रीच हिज होम स्ट्रेट हिज होम स्ट्रेट ऑप्शन ए 15 ऑप्शन ए 15 बी 20 सी 25 और डी 30 डी 30 हाँ तुम बताओ पेन लो एक जरा मिनट एक मिनट मुझे पेन दे दो एक सेकंड पेन लो जरा बस दो सेकंड रुको जल्दी 15 सही है हाँ 15 सही आगे लिखो नेक्स्ट 15 सही ये बताऊँ कैसे किया देखो तू यही बता देगी जिसने किया पहले ये तू समझा नहीं बताएगी तो मैं बताता हूँ तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ बार बार डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए चिंतन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट चिंतन वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट टुवर्ड वेस्ट एंड देन ही रिटर्न लेफ्ट एंड देन ही रिटर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 किलोमीटर And walk for 20 kilometer. And walk for 20 kilometer. And again took right turn. And again took right turn. And walk 10 meter. And walk 10 meter. How far is he from the straight point? How far is he from the starting point? From the starting point. सारा मीटर में ही है किलोमीटर कहीं नहीं है Starting points. Starting point. Option. Option 20. B 30. सी 10 किलोमीटर और डी नन ऑफ द एबव डी ए नन ऑफ द एबव क्या होगा 10 किलोमीटर 30 कैसे आएगा 10 सही है चल बता इनको डायरेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ही बताना है ना 10 ही किलोमीटर होगा आ गया साजी कि बताना है देखो पहले लिखो जरा बी एन ई पॉइंट 15 मीटर बी एन ई पॉइंट लिखो 15 मीटर ये होगा 15 मीटर ठीक है ये लिख लिया इसके बाद फिर लिखो जरा बी एन सी पॉइंट ये है 20 मीटर इसके बाद फिर लिखो ये है 25 मीटर इसके बाद फिर है ई और डी पॉइंट ये ई एंड डी पॉइंट ये 20 मीटर 25 मीटर है नहीं 25 रुको जरा देखते हैं एक बार दोबारा कुछ डायरेक्शन कहाँ गया ट्वेंटी फाइव किलोमीटर है टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक
And then he began left and walk for 20 kilometers. And then toward east and walk 25 kilometers. वो आगे निकल गया, उसको छोड़ दिया तुमने. He moved toward east and 25 kilometer. चलो लिखो इसको. He moved toward turning the left turn over 20 kilometer. How far the starting point? He moved toward east and walked 25 kilometer. Finally, toward 25 kilometer finally. ये देखो इधर. ये और ये दो एक साथ जुड़ जाएंगे. कितना हुआ है? 20 मीटर प्लस 15 मीटर दोनों जोड़ा तो कितना आया? 35 मीटर. और ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे. हाँ ये हाँ दोनों से माइनस करो 25 मीटर को. तो 45 माइनस 35 क्या आएगा? 10 किलोमीटर. ठीक है, ये दो एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों एक डायरेक्शन को, तो इससे वो माइनस हो जाएगा. चलो लिखो आगे. हो गया. विजय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ. After walking some distance, he turned to his right. Then walking for a while, he turned to his left, and walked for one kilometer. And then he turned to his left again, comma, in which direction is he moving now. Option A north, option B south, C west और डी ईस्ट. क्या होगा इस बेस्ट? सही है डिस्टेंस. इसको डायरेक्शन बहुत जल्दी समझ आ रहा है करिश्मा को. चल इसको बता, नहीं बता पाया तो मैं बताता हूँ. बता कैसे हुआ. चलिए आगे. राशि ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ. Stop. Then she turned right. And travel 30 kilometer. Then she turned right and travel distance. Right. And travel distance. Then she turned right and travel a distance of 35 kilometer. Finally, she turned left and walked. Walks 15 kilometer. In which direction and how many meters? Is she from the starting position? A 5 kilometer west, B 30 kilometer east, C 30 kilometer west, D 45 kilometer east.
डी 45 किलोमीटर ईस्ट। ऑप्शन डी 45 किलोमीटर ईस्ट, इनको बताओ फिर। हाँ ये, हाँ तो आ गया, चलो ओके। अब लिखो राहुल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, राहुल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, राहुल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए राहुल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी, टुवर्ड द नॉर्थ, हिंदी मीडियम है तुम्हारा इंग्लिश, तो लिखो टुवर्ड, ये क्यों भूल जाते हो डेली लाइट जलाना, तभी हम कह रहे थे कुछ नहीं, ये सारी जलनी चाहिए जब हम क्लास ले रहे हो, बुझ नहीं रहनी चाहिए, हमें कुछ लग रहा था आपको वर्ड से फील हो रहा था, डेली जलना है लाइट। राहुल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी, टुवर्ड हाँ नॉर्थ, राहुल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, ट्रेवल 8 किलोमीटर यानी राहुल स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और कितना करता है वो ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी, टुवर्ड द नॉर्थ, टुवर्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी, लिखूं क्या तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो दोनों पीछे, रुको मैं लिख रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज के टाइम का है, क्या है सिक्स नंबर, राहुल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी, टुवर्ड द नॉर्थ पॉइंट बी, toward the north point B, he then turn right the travel, he then turn right the travel, travel he then ride the travel 7 kilometer point C, 7 kilometer point C, point C आ गए, and from point C, and from point C, नोट करो इतना फिर आगे बढ़ते हैं, point C, इसमें point B के direction है, अभी रुको एक मिनट जरा, अभी तो B तो कहीं आया नहीं, अभी बताता हूँ, पॉइंट सी आगे फिर लिखो, ही टुक द फर्स्ट राइट, आगे इसके ही टुक द, हाँ ही टुक द फर्स्ट राइट, ही टुक द
राइट, ही टुक द फर्स्ट राइट, लिखा ही टुक द फर्स्ट राइट, ही टुक द फर्स्ट राइट एंड ड्रॉ 5 किलोमीटर एंड ड्रॉ 5 किलोमीटर एंड ड्रॉ 5 किलोमीटर टू पॉइंट डी, टू पॉइंट डी, टू पॉइंट डी. देन ही टुक अनदर राइट ट्रेवल, देन ही टुक एन अदर राइट ट्रेवल, राइट ट्रेवल, अनदर राइट ट्रेवल 7 किलोमीटर टू पॉइंट, 7 किलोमीटर टू पॉइंट ई, ये होगा टू पॉइंट ई. एंड फाइनली ही टर्न राइट ट्रेवल 3 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न राइट टू, ही टर्न राइट टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पॉइंट ई, 3 किलोमीटर पॉइंट ई. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड बी, एफ एंड बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड बी, ये पूछ रहा है कुछ. हाँ, एफ एंड बी, बी पहले ही आया था ना, नॉर्थ टू पॉइंट, शुरू वाली पहली लाइन में 8 किलोमीटर टुवार्ड द नॉर्थ टू पॉइंट बी. एफ एंड बी में कितना डिस्टेंस होगा ये पूछ रहा है, पहले सोचो, नहीं होगा तो भी बता रहा हूँ. ऑप्शन दे देता हूँ, 1 किलोमीटर, बहुत आसान सवाल है ये, जो जितने सवाल बड़े लिखे जाते हैं वो आसान बहुत होते हैं. हाँ, 1 किलोमीटर, हाँ एक, और बी होता है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर. अगर सवाल बड़ा लॉन्ग लिखा गया समझ जाओ आंसर बड़ा आसान है, बस पढ़ना है उसको ठीक से खाली. राहुल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, जहाँ बैठे हो वहीं से स्टार्टिंग सीधे लिख दो और क्या लाइन खींच दो, बस जहाँ बैठे हो तुम ऐसे सीधे खींचो 8 किलोमीटर ऊपर ले जाओ, कि सबकी डायरेक्शन देख लो, सही सोल्यूशन बताया सर, समझ गए. हाँ, पहली क्लास में उसे समझ आ गया कैसे होगा, और बहुत ही आसान, जो जितने लंबे, जैसे आई एस का पेपर बड़ा लंबा होता है, लोग पहले डरते हैं आई एस है, वो उतना ही आसान आंसर है उसका, बस आपको ठंडे दिमाग से उसको पढ़ना है. सी सेट इतना डर लगता है लोगों को, हमें नहीं डर लगता, सी सेट से 50 क्वेश्चन कर देंगे चाहे जितने टफ आए, 80 में 50 कर देंगे, जबकि उसके लिए IIT ये दावा करते हैं कि हमारा इतना होगा. पहले ये सब सुनकर हमें भी डर लगता था, लेकिन जब तक आप सीरिया में सोचोगे नहीं, चीज़ें आसान नहीं होंगी, सब डिफिकल्ट लगेगा. DI कितना डिफिकल्ट लोग बताते हैं, हम ऐसे ओरल आंसर बता देंगे DI, क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर कहेगा मैं DI पढ़ाता हूँ, ऐसे मुझे भी बता दें, हम ऐसे देख के ना बता दिए आंसर सारा, तो बिना पैर उठाए सही आंसर सारा. तो किसी एग्जाम को हम देते हैं तो ये सब बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस में है, मैथ नहीं गलत होती है मेरी, नहीं तो पहले मैं मैथ छोड़ के आ जाता, अब मैं मैथ पहले कर देता हूँ, बाकी मैं तुक्का भले लगाऊँ. हाँ, नेक्स्ट, प्रैक्टिस से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, एजुकेशन बाय प्रैक्टिस, इसलिए प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस अब अपॉइंट होने लगेंगे. लिखो टाइम एंड डिस्टेंस, अगला टॉपिक हमारा होगा, टाइम तो हो गया क्या इसका, तो अभी एक सवाल हो सकता है, टॉपिक लिख लो नेक्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर तो सारा रिवीजन हो जा रहा है, अब इसके बाद भी तुझे दिक्कत रहेगी तो फिर ठीक नहीं है स्वातिया, ठीक है, रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा उस पे DI पे. और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये एप्रियल एग्जाम के लिए कंपलसरी है, कोई भी इंडिया का एग्जाम दो छोटे से बड़ा सब जगह यही आता है, और इसी को हम इग्नोर मार देते हैं, अरे मैथ है, बिजली मेरिट में कभी नहीं आ पाते, कुछ लोग बड़े जीनियस होते हैं
बट मैथ रीजनिंग पे उनको डर सताता रहता है, इसलिए कुछ नहीं पास करते हो, क्योंकि जो जनरल चीजें हैं वो सबकी एक जैसी होती है, हम उन्हें बीट कहाँ से कर पाएंगे, जो डिफिकल्ट होगा अब उस पर हम अपना ध्यान ही ना लगाएं तो वैसे ही एग्जाम देते रहते हैं, घर में आके रोते रहते हैं, हम पास नहीं कर पा। हम तो बहुत ऐसे टीचर पढ़वाया जो उनके पढ़ाए GRF हो जाता था और उनका खुद का नेट नहीं निकलता था। हमने कहा मैडम एक टेस्ट दो, तो कहें हम ले लो। जब मैंने टेस्ट लिया तो मैथ वाली पोर्शन सारी वीक मिली, पढ़ाए हुए बच्चे GRF निकाल रहे हैं लेकिन खुद का नहीं होता। फिर हो गया उनका भी, वीकनेस को अपने चेक करो कहाँ पे कमजोर हो, उसी पे अटैक करना है, और जो स्ट्रांग हो उसको नहीं पढ़ना है। एक स्टूडेंट टीचर में क्या अंतर है, जो स्टूडेंट को आता है उसी को बार बार पढ़ता है, टीचर जो नहीं आता वही पढ़ेगा, जो आता है उसे नहीं। तुम 1000 पन्ने की बुक दो, पूछो कितने दिन में पढ़ोगे, तो मैं ये बताऊंगा 10 घंटे में। अब तुम पूछोगे कैसे, तो जो नहीं आता वही पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे हम। और तुम एक एक लाइन पूरा एक तरफ से, वो थकाऊ पढ़ाई होती है। हम कोई बुक लेते हैं उसके सारे चैप्टर देखते हैं, फिर मुझे लगता है इसमें कौन सा नहीं आता, बस वही पढ़ाओ बुक खत्म, फिर दूसरी ले आते हैं। तो पढ़ाई का तरीका बदलो, एक एक लाइन नहीं पढ़ना है तुमको। अब पता चला ट्रांसलेशन पढ़ रहा है राम जाता है, तो डेली बस राम जाता ही करता है, इसके बाद कोई डिफिकल्ट आ गया रख दिया बुक बंद कर दिया, तो बढ़ेगा कहाँ से ज्ञान, ठीक है। इसीलिए यही सब करते करते मैं 4 टाइम मास्टर कर लिया, 4 टाइम्स, अब की बार 5th टाइम्स हो जाएगा। इंग्लिश डर लगता है, मैंने कहा मैं अब स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश नहीं करने वाला, सीधे लिटरेचर करूंगा। तो लिटरेचर किया, UGC पढ़ाया 4-5 बैच। टारगेट को अचीव करने के लिए उससे टकराओ, डरना नहीं किसी चीज से, दिस इज माई ओपिनियन। और लक्ष्य हमेशा बड़ा बनो, मंजिल जरूर मिलेगी, छोटे टारगेट से कुछ नहीं होता, ठीक है। टारगेट बड़ा रखो। IAS की तैयारी करने वाला SSC PO ऐसे हवा में उड़ा देगा, वो सब ऐसे हो जाएगा। इसका सब टेस्ट मैं दे चुका हूँ, मैंने कभी कोई नौकरी नहीं छोड़ा था, अभी मैं 3 जगह प्रोफेसर भी रहा, IIT में, MIT में, सब जगह छोड़ने का रिकॉर्ड भी है ना, 1 साल से ज्यादा नहीं की नौकरी कहीं पे, ठीक है। 1 ईयर मैक्सिमम टाइम पीरियड, नहीं 6 महीने में छोड़ देता हूँ। आगे लिखो नेक्स्ट, ये पर्सन क्रॉसेस 12 मीटर लॉन्ग, हाँ टाइम डिस्टेंस में आओ। ये सब चीजें बड़ी आसान है और माइंड को IQ लेवल बढ़ाती हैं। ये पर्सन क्रॉसेस 1200 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, 1200 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, 1200 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 10 मिनट, लॉन्ग स्ट्रीट इन 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, इन किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन ए 7.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन ए 7.2 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर पर आवर्स, 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ला एंट्रेंस एक हमारी स्टूडेंट सेकंड रैंक थी, जो कि 4 बार दे रहे थे, हो नहीं रहा था। ला में क्यों करंट और रीजनिंग आता था पहले, BA LLB, और सेकंड रैंक टॉपर, PIS में 57 रैंक, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था उससे, खाली मैथ के डर से। तो एक छोटी सी चीज के लिए कितनी सफलता मिलती है, उसी से डरते रहते बस। डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता ऐसे सवालों में, दिमाग चलाओ खाली। अभी देखो ये जानते हो ना, एक एक घंटे में कितने मिनट होते हैं ये पता है ना, हाँ, और कितने सेकंड होते हैं ये भी जानते हो, तो इस सब में कोई फार्मूला नहीं लगता। अभी देखना कैसे होगा, SSC वालों की तरह सोचना बंद कर दो, कितने छोटे छोटे सवाल के लिए भी फार्मूला, साल्ट ट्रिक चाहिए, फालतू की ये सब बातें, सवाल से ही समझ आ जाता है ये क्या है। हम तो उरल ही ऐसे देख के जान लेते हैं, बहुत ही कुछ केसेस में ये है जहाँ पेन उठाने की जरूरत। अभी हम PhD एंट्रेंस दे रहे थे, उसमें आया था मॉट, सारे देख रहे, JNU का PhD एंट्रेंस था, पोल साइंस का, एक ही क्वेश्चन उन्होंने मैथ का पूछा मॉट, और मुझे लगता है 90% ने गलत किया। बहुलक जिसको कहते हैं, बहुलक का सीधा मतलब होता है, देखो हम इसलिए ज्यादा सही करते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम दोनों जानते हैं,
जो नंबर कई बार रिपीट हुआ हो वही मॉड होता है। 10 तीन बार आया था, 8 2 बार आया था, बाकी एक एक बार था, तो 10 ही हुआ था उसका नंबर। अब उसमें कैलकुलेशन, घंटा भर जोड़ घटाना, बगल में एक है वो पूरा पसीने बहा रही है उसी में, मैडम इसमें कुछ नहीं है, मैं ऐसे बताते रहे आपको सही आंसर, पेन ने उठाए। बेस नहीं मजबूत है, लड़ाई बड़ी कठिन हो जाएगी। बेस पे पकड़ है बहुत आसान, तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट क्या होता है, पास कर लेता है 5 क्वेश्चन, उसकी बेसिक बात एक नहीं जानता। और जब तक बेस नहीं पकड़ पाओगे आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता, प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाओगे। ये पर्सन क्रॉसेस 12 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 10 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे 12 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बनाएं 1200 मीटर को, तो कितना बनेगा 1.2 किलोमीटर, 1000 होता है ना। अब ये आगे कह रहा है 10 मिनट व्हाट द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर्स, बोलो कैसे होगा, नहीं निकाल पाए। 1 किलोमीटर 10 मिनट लॉन्ग स्ट्रीट है, 1 किलोमीटर कितने में गया 10 मिनट में, व्हाट द स्पीड किलोमीटर पर आवर्स, 10 मिनट घंटे का कितना पार्ट हुआ, 1 घंटा में 1 घंटा है लो 60 मिनट, तो 60 मिनट का 10 कितना पार्ट हुआ, 1/6 हुआ ना, 1/6 समझ आया, 1/6 हुआ। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है 30 क्या होता है 18/5 का या 36/5 का, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको हम सारे को 60x60 करें तो क्या आएगा है? बताओ जरा कितना आएगा, 60 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 हो जाएगा ना। आगे फिर क्या करेंगे, लगाओ जरा दिमाग, आगे बताओ, बोलो फिर क्या करेंगे, 12 मीटर अपॉन 600, लिखो इसको 1200 मीटर अपॉन 10x60, 1200 मीटर अपॉन 600 कर लिया, 2 आ गया, तो 2 में क्या जाएगा बताओ, 7.2 करेक्ट आंसर, 7.2 ही आएगा, 2 आ गया, आप क्या करना है आगे, 18/5 क्यों, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति आवर्स कर रहे हैं, 18/5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ करो मल्टीप्लाई, 36/5 आ जाएगा, 36/5, 36 को 5 से करो डिवाइड, 36/5 7.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा छोटू जी, अमित, अमित कुमार, समझ आ गया ना, चलो अमित खत्री, चलो ठीक है, अमित ही याद रहेगा मुझे, इतना याद रहे बहुत बड़ी बात, भूल जाते हैं नाम, अब पहले तो मैं याद रख पाता था, अब नहीं याद रख पाता, अब जो पढ़ते हैं वो याद रखने की कोशिश में, नाम याद नहीं रहता, फेस याद रहता है सबका।